अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मेल्टिंग प्रोसेस ऑफ द हीट हीट गिवन टू द बॉडी यूटिलाइजिंग। देखो सबसे पहले उसने बोला किसी बॉडी को आप हीट करते हो तो मेल्ट होता है। ओके जो मेल्टिंग से पहले की मैं बात करूँ, जब उसका लाइक स्टेट चेंज होगा, स्टेट चेंज करने की होने से पहले अगर किसी बॉडी का हीट ग्रेजुअली देते जा रहे हो तो उस बॉडी के साथ क्या होगा, तो उसको मैं आपको एक बेसिक तरीके से समझाता कैसे आपको आपको फील आएगा। सपोज करो आपने ये तो ग्राफ देखा होगा, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है। इस टाइप से कुछ ग्राफ होता है, अगर आप ध्यान से देखो तो अगर टीट अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं उसके, तो ये एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। ठीक है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। अब सपोज करो तुमने उसको हीट दिया, ठीक है, ये टेम्परेचर तुमने राइज किया और ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। जैसे टेम्परेचर आपने बढ़ाया, टेम्परेचर जैसे आपने थोड़ा सा बढ़ाया, अब ये पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस अभी भी इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे है। मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, दो मॉलिक्यूल्स के बीच की। एक्चुअल में क्या, अगर किसी बॉडी को हीट करते हो तो मैं किस तरह आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दो किसी मॉलिक्यूल्स के बीच की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है या बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे रबर का ले लो, रबर को क्या गर्म करो उसको छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो होते हैं ना, उसके बॉन्ड्स में एक बॉन्ड्स जुड़े होते हैं, उसको ब्रेक हो जाते हैं। बट जैसे मेटल्स में क्या होते हैं, बॉन्ड्स एक अपने आप में बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं समझो, जैसे मैंने हीट दिया, अब एक सिचुएशन पे हीट देने के बाद से मैंने हीट दिया, अभी ध्यान से देखना ए लेंथ और ए लेंथ, ये जो ग्राफ है कुछ इस टाइप से है। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखो आप, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब जो इसका सेंटर ऑफ मास है ऐसा शिफ्ट हो रहा है धीरे 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 धीरे। अब जो बॉडी जो पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट यहाँ पे आ गया, इसका मतलब बॉडी जो है फैलना चालू कर दी। अब बॉडी का एक्सपेंशन होने लगा, बॉडी का एक्सपेंशन होते होते एक सिचुएशन ऐसा आएगा जो बॉडी मेल्ट करने लगी, और डिपेंड करेगा मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट कितना है। जैसे बॉडी का मेटेरियल एक क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इतनी बढ़ जाती है कि बॉडी अब मेल्ट होने लगती है। अब ऑप्शन देखो, इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, इंक्रीज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। क्या क्या होता है, उनके बीच की एवरेज डिस्टेंस बढ़ जाती है। जैसे यहाँ मॉलिक्यूल यहाँ पे था, अब मॉलिक्यूल अगर इससे डिस्टेंस देखें अब यहाँ पे आ गया, उनके बीच की एवरेज डिस्टेंस जो है ना वो बढ़ गई। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, थैंक यू।